नमस्कार दोस्तों, हमारे ब्लॉग में आपका स्वागत है। दोस्तों आज उस भट्ठे में आग डाला जा रहा है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस पहले इस छेने को तोड़ देते हैं, क्योंकि इसे ही तोड़ के इसी से आग डालना है। तो पहले इसके छोटे छोटे बारीक टुकड़े कर देते हैं। करीबन 5-6 पीस तोड़ने पर यह हो जाएगा पूरी तरह। और इसमें ये साइड साइड में आग डाला जा रहा है, क्योंकि जब इसमें आग चलेगी तो बाहर की तरफ जो गैस या एयर है वो ना निकले, इसलिए उसमें राख डाला जा रहा है। तब इसके ऊपर पैरा डाल देते हैं, फिर इसमें आग लगाते हैं, जिससे आग काफ़ी अच्छी तरह बन जाए। और इसमें जो आग डाला जाता है वो बीच से ही डाला जाता है, जबकि पंजे भट्ठे में या चूल्हा वाले भट्ठे में नीचे से डाला जाता है। जो चूल्हा बनाता है वहाँ पर लकड़ियाँ डाली होती है उसके नीचे से, लेकिन ये गोल भट्ठा है यहाँ, इसमें बीच में डाला जाता है। बीच में पहले से ही हॉल बनाया जाता है, एक रिंग का छोटा सा घेरा होता है जो नीचे से ऊपर तक होता है, उसी में डाला जाता है। तो ये आग अभी जल रही है, जैसे ही बन जाएगी तो बीच में डाला जाएगा। बीच में डालने के लिए एक रिंग बनाई गई है। दरअसल गोल भट्ठे में बीच से ही आग डाली जाती है, तो उसको पहले से ही बनाया जाता है। ऊपर से आग डालने पर आग डायरेक्ट वहाँ के माध्यम से नीचे चली जाएगी, बीच के माध्यम से नीचे जाएगी, और नीचे से आग फिर फैलते फैलते पूरे भट्ठे में फैल जाएगी। तो यह गाइस आग बन के रेडी हो चुकी है, इसको देखते हैं कितना बन गई है। तो अभी ये जो सामने में दो ईंट रखा हुआ है इसको निकालते हैं। पहले इसको हटा देते हैं अच्छी तरह, क्योंकि काफ़ी तापमान भी है, आग जल रही है इसलिए। और ये जो बीच में हॉल दिख रहा है उसी में डालना है, इसमें ही गिरा देते हैं। जो छोटे छोटे टुकड़े छेने के किए गए हैं उसको उसी में डाल देते हैं, और एक आध टुकड़े ऊपर से भी डालना पड़ेगा, जो कि बारीक टुकड़े। तो गाइस ये नीचे सबसे है, देख सकते हैं जल रहा है जमीन है, और इसको इसके माध्यम से देख रहे हैं कहीं आग फंस ना जाए बीच में, इसलिए इसको डाल के वो देखा गया है। तो गाइस एक घंटे हो चुके हैं, अब इसको हम कर देते हैं बंद, और बंद करने के बाद इसमें राख डाल दिया जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे आग चलेगी वैसे वैसे भट्ठा नीचे बैठते जाएगा, जिससे यहाँ पर से लौ निकलने का चांस बहुत बढ़ जाता है। इसलिए राख रहने पर यहाँ से लौ नहीं निकल पाएगी, जिससे आग काफ़ी अच्छी तरह बन पाएगी। तो ये ऊपरी वाले भाग को पूरी तरह राख से ढक दिया जाएगा। यह राख रिंग भट्ठे का है, जो काफ़ी मात्रा में बची थी, तो आज काम आ रही है। तो यह चारों तरफ ढक गई है, अब यहाँ से ज़्यादा लाव निकल नहीं सकती। दोस्तों ये साइड साइड का किनारा जो बचा हुआ है
ये इतना ही है, ऐसे ही है। जैसे इसमें आग आएगी वैसे वैसे साइड साइड को भी ढकना पड़ेगा, लेकिन अभी तो आग आएगी नहीं क्योंकि आज ही डाला गया है, तो यहाँ पर आने में अभी 2-3 दिन लग जाएगा। तो जैसे ही आग आएगी तो इसको भी ढकना पड़ेगा। तो ये इस प्रकार का है कुछ। तो गाइस आग फाइनली डाल चुकी है और अभी ये इतना खुला हुआ है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पे।